और फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल GS with कैलाश सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं डेली शाम को 6 बजे आपके लिए GS की सीरीज, 6:15 बजे एडिटोरिया करंट अफेयर्स की सीरीज और 9 बजे एक स्पेशल सीरीज लाई जाती है। तो इनसे जुड़े रहने के लिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक करते हुए आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार ये वीडियो सभी लोग अपने अपने ग्रुप्स में शेयर कर देंगे जिससे बाकी लोग भी इससे जुड़ पाएँ, लाइव इससे देख पाएँ। आज हम इसका प्रैक्टिस सेट 20 डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारतीय कप्तान कपिल देव को छोड़कर कौन सा खिलाड़ी टेस्ट में विकेट लेने, देखिए पूर्व कप्तान है भारतीय कपिल देव, तो कपिल देव को छोड़कर कौन सा खिलाड़ी टेस्ट में विकेट लेने के मामले में दूसरे भारतीय बॉलर बन गए हैं। तो ये है आर अश्विन। मार्च 2022 में आयोजित भारत प्रशांत सैन्य स्वास्थ्य विनिमय सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो मार्च 2022 में आयोजित भारत प्रशांत सैन्य स्वास्थ्य विनिमय सम्मेलन का उद्घाटन जो है किसके द्वारा किया गया? तो ये राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में मैंग्रोव वनों की सर्वाधिक वृद्धि हुई है? भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में मैंग्रोव वनों की सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो आंसर हो जाएगा सी, उड़ीसा। बजट 2022-23 की घोषणा के अनुसार सरकार ने कितने किलोमीटर नए नेशनल हाईवे के निर्माण का लक्ष्य रखा है? तो बजट 2022-23 की घोषणा के अनुसार सरकार ने कितने किलोमीटर नए नेशनल हाईवे के निर्माण का लक्ष्य रखा है? आंसर हो जाएगा 25,000 किलोमीटर। COP 27 का आयोजन वर्ष 2022 में किस देश में किया जाएगा? तो COP 27 का आयोजन वर्ष 2022 में किस देश में किया जाएगा? आंसर हो जाएगा ए, मिश्र देश में। हाल ही में भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय द्वारा अपशिष्ट कचरों के समाधान हेतु किस पोर्टल को लॉन्च किया गया? तो हाल ही में भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय द्वारा अपशिष्ट कचरों के समाधान हेतु किस पोर्टल को लॉन्च किया गया? आंसर होगा वेस्ट टू वेल्थ पोर्टल। किस राज्य में भारत के पहले ई मछली बाजार फिश वाले ऐप को लॉन्च किया गया है? तो भारत के पहले ई मछली बाजार वाले हेतु फिश वाले ऐप लॉन्च किया गया है और ये ऐप लॉन्च किया गया है असम राज्य में। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई? किस राज्य सरकार के द्वारा दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई? आंसर होगा बी, उत्तराखंड। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज कहाँ खोला जाएगा? तो विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज जो है यह एम्स्टर्डम नीदरलैंड में खोला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। COVID-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए किस राज्य सरकार ने बाल सेवा योजना की शुरुआत की? तो COVID-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए किस राज्य सरकार ने बाल सेवा योजना की शुरुआत की? आंसर होगा ए, उत्तर प्रदेश ने। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने July 2021 में किन देशों को एसोसिएट सदस्य के रूप में शामिल किया है? ICC ने July 2021 में किन देशों को एसोसिएट सदस्य के रूप में शामिल किया है? आंसर होगा स्विट्जरलैंड, तजाकिस्तान, मंगोलिया, उपयुक्त सभी। आंसर क्या हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत की? तो किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत की? आंसर होगा सी, राजस्थान। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन है जो सत्य है? तो इस सूचकांक में केरल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ और इस सूचकांक में बिहार अंतिम स्थान पर रहा। दोनों ही कथन कैसे होते हैं? दोनों ही कथन सत्य हो जाएंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश के पहले निजी LNG फैसिलिटी प्लांट का उद्घाटन किस शहर में किया? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश के पहले निजी LNG फैसिलिटी प्लांट का उद्घाटन किस शहर में किया? आंसर होगा डी, नागपुर। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पहचाने गए कोरोना के वेरिएंट का नामकरण किया है? तो WHO के द्वारा भारत में पहचाने गए कोरोना के वेरिएंट को क्या नाम दिया गया है? तो डेल्टा और कप्पा दोनों, यानी आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। June 2021 में किस देश ने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया? June 2021 में किस देश ने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया? ए, रूस।
संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? आंसर होगा अब्दुल्ला शाहिद, अब्दुल्ला शाहिद को। किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया? किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया? आंसर होगा सी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। निम्न में से किस देश में बर्ड फ्लू का H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहले व्यक्ति का मामला सामने आया है? तो किस देश में बर्ड फ्लू का H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहले व्यक्ति का मामला सामने आया है? ये चाइना में आया है। 12 से 13 जून को 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता किस देश ने की? तो G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जो है ब्रिटेन के द्वारा की गई। निम्नलिखित में से किस देश ने रामायण एवं महाभारत को बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल किया है? तो किस देश के द्वारा रामायण तथा महाभारत को बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है? आंसर होगा सी, सऊदी अरब, सऊदी अरब। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो नाडा के जो नए महानिदेशक बने हैं सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी किसकी आत्मकथा है? तो ये सुरेश रैना की आत्मकथा है, ये जो है सुरेश रैना की आत्मकथा है। निम्नलिखित में दो हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने का भारत का पहला राज्य कौन बना? निम्नलिखित में दो हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ए, बिहार। हाल ही में प्रसिद्ध खिलाड़ी यशपाल शर्मा का निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से था? तो यशपाल शर्मा जो थे पूर्व भारतीय क्रिकेटर रहे, तो इनका संबंध जो था क्रिकेट से था। एस अवार्ड 2021 में किसे स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया? एसिस अवार्ड 2021 में किसे स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया? आंसर होगा बी, एमसी मैरीकॉम, भारतीय मुक्केबाज, जिन्होंने भारत को मुक्केबाजी में पदक दिलाए। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 की थीम क्या है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 की जो थीम है वह है इन्फॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। आप लोगों को बताना है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है, इसकी थीम रही इन्फॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। विश्व का पहला देश जिसने सड़कों पर कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति दी? विश्व का पहला देश जिसने सड़कों पर कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति दी? आंसर होगा बी, ब्रिटेन। हाल ही में इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ICC द्वारा किस भारतीय संस्था को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया? एक होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, वो भी ICC है, लेकिन यहाँ उस ICC की बात नहीं की जा रही, वो क्रिकेट से संबंधित है, सीड संस्था है। यहाँ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ICC की बात की जा रही है। तो इसके द्वारा किस भारतीय कंपनी को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया? आंसर होगा IREDA को, IREDA को। उमलिंगला दर्रे को फतह करने वाली पहली एकल महिला बाइकर और 18 दर्रों को पार करने वाली पहली महिला हाल ही में कौन बनी? उमलिंगला दर्रे को फतह करने वाली पहली महिला एकल बाइकर और 18 दर्रों को पार करने वाली पहली महिला हाल ही में कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा कंचन उगुर संडी। मई 2021 में किस भारतीय मूल की लेखिका को 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार प्रदान किया गया? मई 2021 में किस भारतीय मूल की लेखिका को 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार जो है वो दिया गया? आंसर होगा डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा किसे वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्राइज प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? तो ये जो घोषणा की गई डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड को। विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा किसे दिया गया 2021 का? तो डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड को। DRDO द्वारा निम्न निर्मित मोटर बाइक एम्बुलेंस सेवा को CRPF को सौंपा गया, जिसका नाम क्या है? तो DRDO ने हाल ही में मोटर बाइक एम्बुलेंस सेवा को विकसित किया है और इसे CRPF को सौंप दिया है।
इसका नाम क्या रखा गया, इसका नाम है बी रक्षिता। रक्षिता 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 20 नवंबर से 28 नवंबर 2021 के बीच हाइब्रिड रूप से कहाँ आयोजित किया गया। तो 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है 20 नवंबर से 28 नवंबर के बीच हाइब्रिड रूप में कहाँ स्थापित किया गया। आंसर होगा सी गोवा। ओलंपिक खेलों में पहले भारतीय जिसे जिमनास्ट स्पर्धा में जज के रूप में नियुक्त किया गया। तो ओलंपिक खेलों में पहले भारतीय जिसे जिमनास्ट स्पर्धा में जज के रूप में नियुक्त किया गया। आंसर होगा दीपक काबरा। दीपक काबरा। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला विदेशी पार्क कहाँ खोला गया। भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क जो है ये कहाँ खोला गया। तो ये खोला गया है मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपना पहला वैश्विक हैकथॉन हरबिंगर 2021 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन आयोजित किया। तो यह किया गया भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राज का उद्घाटन किया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राज का उद्घाटन किया गया। ए वाराणसी में। निम्न में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के ढांचे के समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 101वां देश बन गया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के ढांचे के समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 101वां देश बन गया है। आंसर हो जाएगा ए अमेरिका। देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बन गया है। तो देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन जो बना है यह है पश्चिमी मध्य रेलवे। पश्चिमी मध्य रेलवे। जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया। जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज का जो निर्माण है यह चिनाब नदी पर किया गया। निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु को सम्मानित लॉन्च किया गया। किस देश में भारतीय इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु को लॉन्च किया गया। आपका आंसर हो जाएगा बी बांग्लादेश में। COP26 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों पर कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो भारत के द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों पर कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया गया। आंसर होगा ई अमृत पोर्टल। हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रन किसके द्वारा लिखी गई। तो हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रन किसके द्वारा लिखी गई। तो आंसर होगा बी रस्किन बॉन्ड के द्वारा। रस्किन बॉन्ड के द्वारा। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा आवासीय रूप में ई सेंटर का उद्घाटन किया गया। किस मंत्रालय के द्वारा आवासीय रूप में ई सेंटर का उद्घाटन किया गया। तो आंसर होगा एक केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। किस देश के सेना प्रमुख जनरल प्रभु राम शर्मा को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय सेना के जनरल की मानद पद से सम्मानित किया। किस देश के सेना प्रमुख जनरल प्रभु राम शर्मा को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय सेना के जनरल की मानद पद से सम्मानित किया। ये नेपाल से संबंधित है। देश के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो देश के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति हैं सुशील चंद्रा। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया इसके संबंध में कौन सम्मिलित नहीं है। जो विस्तारित किया गया तो इनमें से कौन जो है वह सम्मिलित नहीं है। तो हम देखेंगे धर्मेंद्र प्रधान जो हैं शिक्षा मंत्री हैं। धर्मेंद्र प्रधान जो हैं ये शिक्षा मंत्री हैं। अश्विनी वैष्णव रेलवे मंत्री हैं। और अनुराग ठाकुर जो हैं यह खेल मंत्री हैं। अनुराग ठाकुर जो हैं यह खेल मंत्री हैं। जबकि किरण रिजिजू जो हैं यह पंचायती राज्य मंत्री नहीं हैं। ये पंचायती राज मंत्री नहीं हैं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के सचिव एवं भारत के गृह राज्य मंत्री हैं। किरण रिजिजू भारत के गृह राज्य मंत्री हैं। कौन सा सम्मिलित नहीं है सी। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता। तो विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीतने वाले जो व्यक्ति हैं
उनका नाम हो जाता है मार्क सेल्वी। मार्क सेल्वी। और आज का अंतिम क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? टोक्यो ओलंपिक 2020 के संबंध में कौन सा कथन है जो सत्य है? इस ओलंपिक में पदक तालिका में अमेरिका शीर्ष स्थान पर रहा। ये कैसा हो जाएगा? अमेरिका शीर्ष स्थान पर रहा और इस ओलंपिक में पदक तालिका में भारत 48वें स्थान पर रहा। तो हम जानते हैं टोक्यो ओलंपिक जो 2020 है वो डिले हो गया था, और टोक्यो ओलंपिक्स में सबसे ज़्यादा पदक जो पूछा जा रहा है पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन रहा, तो यहाँ दिया गया है अमेरिका। तो सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाला जो देश रहा वो यूनाइटेड स्टेट्स रहा, जिसने कुल 113 पदक जीते, और दूसरे पर चाइना रहा जिसने 88 पदक जीते, और इस सूची में भारत जो रहा यह 48वें स्थान पर रहा। तो भारत जो था 48वें स्थान पर। तो इस प्रकार हम देखेंगे आंसर क्या हो जाएगा, सी, दोनों कथन सत्य हैं, दोनों कथन हैं जो सत्य हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, शुभ संध्या।